करो पुरानी जींस और गिटार मोहल्ले की वो छत। अस्सलाम वालेकुम, आज क्या डेट क्या है? 19 जुलाई। आज हमारा पहला जिंदगी का व्लॉग है जो हम प्रीसेंट 35 में मना रहे हैं। वो तला भाई हमें मस्जिद तक ले जा रहे हैं। ये मुन्ना भाई है, मुन्ना भाई आप जरा कवर करो, पकड़ो पकड़ो मुझे कवर करो, मैं जरा कॉलर और शोल्डर चेंज सेट कर लूं। बहुत गर्मी है, सुबह बारिश हुई है फिर भी इतनी गर्मी है। तो भाइयों ले आओ, आज आपके लिए तुम लाइव से आ रहे हो क्या? नहीं नहीं लाइव नहीं है। अच्छा ये आज हम डिनर में आज लंच बना रहे हैं आपके लिए। क्वीन फिश पड़ी हुई है बोनलेस, इधर देखो इधर क्वीन फिश बोनलेस है, और बासमती चावल में बेहतरीन बोनलेस बिरयानी बनाएंगे, जबरदस्त क्वीन फिश सारा मछली की। नहीं नहीं दोस्तों, जुम्मे का दिन है, नमाज पढ़ने के लिए। प्रीसेंट 35 की मस्जिद है ना ये? प्रीसेंट 35 की मस्जिद है। अच्छा प्रीसेंट 35 की मस्जिद है, नमाज के बाद मिलते हैं आपको। एयर कंडीशन मस्जिद है। वाह वाह वाह, ये प्रीसेंट 35 की मस्जिद है। एक शॉट तुम लेना मेरा। मुन्ना भाई इधर देख लो कि तुम क्या खिताब कर रहे हो। जल्दी आते तो अंदर बैठ जाते, गर्मी नहीं लगती है ना। सही आज हीट है, हमने बाहर नमाज पढ़ी है, हीट है भाई है? थोड़ी वो सनलाइट सनलाइट हार्ड है भाई आज, और सुबह बारिश होने के बाद चिड़चिड़ा मौसम होता है ना। हाँ ये मौसम मुझे पसंद है, ये गर्मी। तला ऐसी मौसम में तो हम फिशिंग करते रहते हैं, तो अब मैं सही बता रहा हूँ, आदत की बात है। अभी आदत हम लोग चर्बी है, वहाँ पे जो होती है वो गर्मी नहीं है, वो हब्स सा होता है। मेरा दोस्त तला महमूद सिद्दीकी बोल रहा है कि अब तुम्हें गर्मी की आदत नहीं रही, हम तो सारा दिन गर्मी, रात गर्मी, सुबह शाम गर्मी। हाँ ये है कि 2-3 महीने से सेट बने हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, इस सर्दियों में हम खराब हो गए। ओ भाई अरे बाप, नहीं नहीं गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त है, हमें बगैर एसी के रहना है। अभी भी पूरा सीजन पड़ा हुआ है, एसी थोड़ी लगाऊंगा मैं, कैसे रह रहा हूँ? तुम मेरे घर पे आकर रहो। लाइव तो बंद करो, लाइव नहीं है, एक मिनट बस। ये अच्छा ये मस्जिद छोटी है, एक आखिरी बात करूँ, जो प्रीसेंट 2 वाली जो ऊंची मस्जिद देखी है तुमने, वो हाँ, वो बड़ी है। ये रफी स्टेडियम है ना, रफी स्टेडियम ऊपर पहाड़ियाँ है एफिल टावर की। आज हमारे से बात हो रही थी, अगर हमने जल्दी खाना बना लिया और हम 5 बजे तक फारिग हो गए तो हम लोग को पैदल पैदल जाना है यहाँ से लेकर पहाड़ी तक, एफिल टावर तक, ठीक है? पर मेरे पास जूते नहीं है, ये तो स्केचर्स पहन कर भागेंगे। मैं तो देखते हैं, आशपा 20 की रेट तो नहीं मारूंगा मैं, ठीक है ना, मैं रबड़ की चप्पल बाथरूम वाली पहन लूंगा। ये जब बारिश हो जाएगी ना, ये पहाड़ सारे ग्रीन हो जाते हैं, इसमें से ये थोड़े थोड़े जो जड़ी बूटियां ना ये सब निकल जाती है, ग्रीन कारपेटिंग हो जाती है। आगे से घुमाना पड़ेगा वो आगे की तरफ नहीं, मैनेज तो तला यहाँ पे बेहतर जिंदगी है, तुम समझते हो कम्प्लीट 110% कराची से अच्छी ना, बहुत बेहतर। थोड़े से एक्सपेंसेस बस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। राहिल कल हम कराची में थे, एक रात हम कराची में रुके, तुम भी थे, सही है क्या? किस तरह से हम घूम रहे थे, क्या मतलब हम गाड़ी में घूम रहे थे लेकिन फिर भी किस तरह, मतलब यार वहाँ पे थोड़ा सा पोल्यूशन है, एटमोस्फेयरिक वो है, रश है। हमारा कराची भाई आज से 20 साल पहले जो था ना, तो जो उसकी आबादी थी मेरे ख्याल में 3 टाइम्स बढ़ चुकी है। अभी हम लोग ओवर क्राउडेड हो चुके हैं, हमारी पतली पतली, मेरा बच्चा बोलता है यहाँ पे घर जो है वो पतले और लंबे हैं,
पतले और लंबे तो वो थोड़ा डायमेंशन वगैरह देखता है लोगों के भी फिगर खुले खुले करनी है तो वो पतले और लंबे क्यों, क्योंकि पहले वो जो ग्राउंड प्लस वन थे आज ग्राउंड प्लस फाइव बन चुके हैं, तो किधर से हवा आएगी, किधर से आप अपने बच्चों को अच्छी माहौल दोगे? अच्छा 37 जा रहे हो क्या? हाँ अच्छा दोस्तों बैरियर टाउन नो डाउट आउट क्लास है, सब फैसिलिटी जबरदस्त है। आजकल लोगों के थोड़े शिकवे हैं मेंटेनेंस वगैरह, वो भी हम बोलते हैं चलो ठीक है, मगर जो बैरियर टाउन में कुछ एलोकेशन, मतलब जैसे मेरा एक प्रीसेंट 63 में एक प्लॉट है, मैं मलिक रियाज तक आवाज उठाना चाहता हूँ कि भाई गरीब बंदे का प्रीसेंट 63 में और ये अमीर बंदे का 61 में, ठीक है? वो ये सब मसले मसाइल मसाइल रिजॉल्व करें और हम आप लोग की ब्रांडिंग करेंगे, हम लोग मार्केटिंग करेंगे, मसला नहीं है, क्योंकि ये वे ऑफ लाइफ कराची में भी होना चाहिए, हर चीज मास्टर प्लान पे होना चाहिए। ये डांसिंग फाउंटेन हमारे सामने से गुजर रहा है, शाम में तला भाई लेकर आएंगे तो हम दिखाएंगे। बाकी यह है कि संडे होता है ना, अभी प्रीसेंट 63 में मेरी फाइल है जो हमने 25 में लिया, खैर हमने थोड़ा ऊपर, मगर मार्केट माइनस में जा रही है। और बैरिया एलोकेट तो करके दे देना, एलोकेट करते भाई इतना दूर है। देखो राही, बात पता है क्या, ये सब हुआ है, ये सब बैरिया में हुआ है लोगों, नहीं बैरिया को क्या अच्छा करना चाहिए, थोड़ा सा बैरिया के लिए भी तलखीन करना, थोड़ा सा बैरिया को क्या अच्छा करना है। देखो हाँ हाँ बोलो ना यार, तुम्हारी भी कितनी इन्वेस्टमेंट, तुम बोलते हो यार आज मेरी 30 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है, जाया कर दी बैरिया ने यार। बैरिया को जो जो लोगों के साथ ज्यादती हुई है वो ज्यादती कवर करनी चाहिए, इंक्लूडिंग, इसलिए BTK2 भी डूबा, मतलब BTK2 प्रोजेक्ट जो उन्होंने लॉन्च किया उसपे वो हाँ हम वो खत्म हो जाएंगी। पॉलिटिकल और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पंगों को हम नहीं बोलते, मगर ये बोलते हैं जो जो लोगों ने पैसे देकर किस्तें देकर और खरीद कर जो चीजें ट्रांसफर कराई हैं उसके आपको पैसे मिलने चाहिए, मतलब पैसे ना रिफंड नहीं चाहिए हमें, हमने इतना वेट कर लिया, हमें प्लॉट दे दो। ऐसे ही। मलिक रियाज साहब हमें प्लॉट दे दो, प्रीसेंट 63 में हो या 61 का हो, जो जो पुराने फंसे हुए हैं आप। अच्छा हम यहाँ पे बारबेक्यू कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल परमिसिबल है यहाँ पे बारबेक्यू यहाँ पे करना। अच्छा ये ओपन जो जगह बना, ओ ये तो तालाब भी बना, हाँ आपको व्यू भी आएगा, लेक व्यू पार्क, ये तो हमने नाम रख दिया, ये बारबेक्यू, ये बकरे बकरे भी घुमाने की जरूरत है, आपको डेली थोड़ा टाइम पे आना पड़ेगा। चला मुझे परसों ही गीदड़ नजर आया इधर। अच्छा हाँ होते हैं गीदड़ भी हैं। ये बकरी बकरी पाल सकते हो तुम? नहीं ये गोट की है, ये गोट है साहब। अच्छा ये ऊपर हम गए थे, ये गोट है यहाँ पे नमाज पढ़ के लोग देखो गाड़ियाँ तो नमाज। अच्छा ग्रैंड जामा मस्जिद अभी स्टार्ट हो गई है या नहीं? वो अभी स्टार्ट नहीं। सही, तो अगर बारबेक्यू ऐसे स्पॉट्स पे करना, मगर बारिश हो गई तो हम बाहर करेंगे, लेकिन आप यकीन करें मगर शाम में मजा आएगा। यहाँ पे रात में आप बारबेक्यू करने आए आपको यहाँ पे वो मजा आएगा कि आप ऐसा समझेंगे कि आप सर्दियाँ मना, सर्दियों में आप बारबेक्यू करें। हाँ ये है, मगर सर्दियों की अलग बात होगी अक्सर, मगर सर्दियों की अलग बात होगी। हाँ अभी यार खजूर पक रहे हैं थोड़ा बहुत, जिस दिन हम जो है जिस दिन हम ऊपर बैठे थे गोट में, उस दिन वो दिन था ऐसा हवा वाला मौसम ना, बारबेक्यू कर सकते हैं जी बिल्कुल। और एक और स्पॉट मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊंगा 28 के पास। अच्छा वो जो हमारा वो स्पॉट है वो जिसपे हम बैठे थे, वो जो नीचे 10 भी नजर आ रहा होता है, वहाँ पे भी ऐसा स्पॉट है? वहाँ पे भी एक स्पॉट है लेकिन वो बहुत क्राउडेड है। अच्छा हाँ वो थोड़ा क्राउडेड रहता है। ये अली फ्लाईओवर है? हाँ ये हमारा अली फ्लाईओवर है, अभी हमारा लेफ्ट साइड पे जो है टी-शर्ट 15 चलता है। चलो ठीक है, यहीं से आ रहे होते हैं जब से हम आए, सामने जो है वाली ब्लॉक है उस तरफ वो जो आपको, हाँ सही है, फिर उसके पीछे वो 10 11 भी आ गया समझो। हम जस्ट चेकिंग माय आईफोन रिजल्ट, पहली बार व्लॉग बना रहा हूँ, जिंदगी में व्लॉग नहीं बनाया और ना बनाना है, बस ये कि बहरिया टाउन की खूबसूरती और एक यादगार हमारा सफर रहेगा। सही है ठीक है, फिर हम अपने आप को जब ज्यादा बुढ़े हो जाएंगे तो हम देखेंगे थोड़े कम। रऊफ साहब अल्लाह ताला जब ये स्टार्ट हो जाए उस वक्त तक जिंदा रहें, हमारे साथ रहें, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। रऊफ साहब मेरे वाले साहब है, और ये मैं तो समझ रहा था ये इकरा है, और ये ग्रैंड जामा मस्जिद है, ये तो पीछे यार कलर भी उतर गया है, पीला पीला हो गया है।
पॉलिश की जरूरत है। मार्बल है ना? मार्बल है, इसके लोग इसको कोई ऐसा मसला है नहीं, पॉलिश होगा। लास्ट में पॉलिश करेंगे, मतलब लास्ट में करेंगे। इन्होंने पॉलिश नहीं लगाया, ऐसे ही लगाया। डॉल्सी मॉल भी तुम उसमें करवा सकते हो, डॉल्सी भी अच्छा प्रोजेक्ट है। ये लोग आए हैं आज भी, आते हैं घूमने फिरने, आते हैं। आते नहीं, गर्मियां शर्मियां, हाँ बच्चे वो नजर आ रहे हैं यार। वाटर पार्क के अंदर, वाटर पार्क भी है ना। एक दिन जो है इधर ले जाओ भाई, तो बंदे मर। ये डॉल्सी है दादा, ये डॉल्सी मॉल बन रहा है, ये डॉल्सी मॉल बन रहा है। इम्तियाज बिरयानी बनानी है क्वीन फिश की। आज हमने बेफजूल में ज्यादा ब्रांडिंग कर दी है मलिक, मतलब बहरिया टाउन की। पर सही है, बहरिया टाउन अच्छा प्रोजेक्ट है, बाकी बहरिया टाउन को भी हमारा ख्याल रखना चाहिए। ब्रांडिंग हमने बहरिया टाउन की नहीं करी है, हम सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो कराची में तंग आए हुए ना, में परेशानियों में रह रहे हैं, खासतौर पे इस गर्मी फ्रस्ट्रेशन में, लोड शेडिंग में, एसी और ये सारे झंझटों में, उनके लिए मेरे हिसाब से ये बेस्ट है कि भाई अभी वो मूव करें, ताकि जो है वो कराची पे से, कराची भी थोड़ा जो ओवर क्राउडेड हो चुका है, थोड़ा ये वहाँ पे भी थोड़ा हल्का हो जाए। हम करते रहेंगे ब्रांडिंग, हम बैरियर टाउन की करते रहेंगे, थोड़े पैसे वैसे मिले तो और करेंगे, ठीक है ना। मैं अपनी बात, वो बात अलग है, ठीक है। पब्लिक को जाते हैं कि भाई एटलीस्ट एक्यू बाजार, जितने भी मेरे रिश्तेदार, इसकी भी बहुत दुकानें मिल रही थी यहाँ एक्यू बाजार की, मगर चला नहीं एक्यू बाजार। एक्यू बाजार अभी यार देखो बात पता है क्या, पहले में भी कुछ भी नहीं चल रहा, एक्यू बाजार नहीं कुछ भी नहीं चल रहा। ये इम्तियाज जा रहे हैं हम लोग, गाइस एक एक, ये एक क्यू बाजार है, इसमें मुझे बहुत बोल रहे थे ले लो दुकान, ले लो दुकान, ने ले लो मुझे वो ये डॉल्सी पसंद आया। अभी ग्राउंड भी नहीं है ना, डॉल्सी बनेगा, ये सब ये कचरा है इसके सामने जो डॉल्सी बनेगा, तुम देख लेना, ये मैं बोल रहा हूँ। बिल्डर अच्छे हैं और हम आज की पार्टी के लिए कुछ सामान वामान ले रहे हैं, और मुन्ना भाई के हाथ में कैमरा है, हम चलते हैं। बंद करो। ये बहरिया टाउन का इम्तियाज है, और ये इसके कैश काउंटर है, और हमारा ये सामान सब्जी वब्जी बिरयानी बनाने के लिए लिए, और ये कोयले हैं फिश बनाने के लिए, और ये मुन्ना भाई चीज़ें रखवा रहे हैं। और बहुत बारिश वाला मौसम बन रहा है, वो देखें काली घटा सुपर हाईवे से कैसी छा रही है। इम्तियाज है, देख रहे हैं कैसी ब्लैक, वाह वाह वाह, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है इधर से। होगी बारिश होगी आज, तुमने प्रोटेक्शन कर दी है ना तो बारिश होगी। ये तकरीबन मेरा ख्याल में नूरियाबाद तक पहुंच चुका है, तला भाई बोल रहे हैं नूरियाबाद तक पहुंच चुका है, नूरियाबाद तक है हम। आपने कुछ इल्म मिल्म तो नहीं सीखा कोयत में? अगर आप चेक करने जा रहे हैं तो अभी गाड़ी निकाल के नूरियाबाद से यू टर्न आप तो करवा सकते हैं, यू टर्न नूरियाबाद से। भाई फिश बिरयानी नहीं खा पाओगे आप नूरियाबाद के चक्कर में, मैं तो बोलता हूँ। यही 12 बरस से कब तक पहुँचेंगे कराची अपने, पहुंच जाएंगे कुछ अब के बरस। बचा हुआ बादल पहुंच जाएगा कराची तक। देखे गर्मी कैसी खतरनाक हो रही है, आज आपने देखा होगा इसी व्लॉग के दौरान कितनी तेज धूप पड़ रही थी, और अचानक मौसम बन गया बारिश वाला, बिल्कुल बारिश वाला मौसम बन गया ना भाई। दोस्तों बारिश स्टार्ट हो गई है, जैसे आपको बोला था, वाइपर चलाओ। अल्लाह का शुक्र है, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। हाँ बारिश स्टार्ट हो चुकी है, ज्यादा मौसम ठंडा हो जाएगा। ये बहरिया टाउन, ये खुला यार सुबह भी बारिश हुई है यहाँ पे, आपको पता है? नहीं सही है, गर्म में बाहर जबरदस्त
बारिश हो गई है पीछे बरसात। वाह मोटी बूंदे हैं, मोटी बूंदे हैं। देखो रोड गीली हो गई है फौरन। देखिए कल से हम आपको बहरिया टाउन दिखा रहे हैं। वो बहरिया टाउन का यही एक खसूसियत है कि यहाँ पे मौसम आपको कभी पता नहीं लगता कब बारिश हो जाती है। तकरीबन डेली हम लोग रात को सुबह उठते हैं तो गाड़ी हमारी जो है वो बारिशों में है। हमें गाड़ी भी धोने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे कम बारिश हुई थी, यहाँ हो रही है थोड़ी थोड़ी हो रही है। ये हम 327 अली फ्लाईओवर तक आ गए, यहाँ पे दोबारा कुछ स्टार्ट हो रही है। अच्छा बारिश की बूंदे हैं मोटी, कोई फुहार नहीं है, टप टप वाली बारिश है, मोटी बारिश है। छत पे आवाज कर रही है बारिश यार, और यहाँ पे चाहिए भी है उसे बारिश। बहुत ही ऐसा कह रहे हैं कि खुशगवार मौसम है तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। दिल बहार मौसम है, बहुत जबरदस्त मौसम है। और हमने इसको फिल्मा लिया है अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी। मेरे पहले व्लॉग में बारिश हो गई, वाह वाह वाह। तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है। ओए होए होए मेरे कपड़े गीले हो गए यहाँ से तो। ओए होए 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 तेज बारिश हो रही है, जल थल हो चुका है माशाल्लाह। हाँ भाई मजा आ गया बारिश का। हाँ बारिश का मजा ले लिया तुमने, कराची वाले नहीं ले रहे। उधर भी नहीं हो रही कि हुसैन को बताना। अच्छा हसन इधर आओ, चीज देनी है तुमको। पैसे दूँ पक्का? नहीं यार नहीं 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 चाहिए जी। उसको भी लाओ ना वीडियो में, उसको भी लाओ वीडियो में। मुस्तफा हाँ बाबा क्या है, उतरूंगा तो सब नीला हो जाएगा। खाना तो बनाने जा रहे हैं ना हम लोग। हाँ ये राहिल बनाएगा वहाँ पे। वो अंकल बिरयानी बना कर ला रहा हूँ मछली की आपके लिए। पर भाई पे प्रीसेंट 35 से। अच्छा अंकल जरा इधर देखें, आप वीडियो में आ जाएंगे, हम जरा वीडियो बना रहे हैं बारिश की। ये तला महमूद के वालिद मोहतरम और बारिश एंजॉय कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त लाइफ यहाँ पे जी रहे हैं। दुआओं में इनको याद रखिएगा, इनकी तबीयत सही नहीं रहती, इनको दुआओं में याद रखिएगा। मुस्तफा महमूद अंकल को, मुस्तफा भी आ गया वीडियो में। मैं मुस्तफा शाम में क्रिकेट होगी, शाम में मैच है। चलो ठीक है। ये एक पहाड़ी पे प्रीसेंट 27 पे एक गोट पे एक होटल बना हुआ है। देखें ऊपर से आप ये गोट का मनाजिर देख सकते हैं, आपको हम दिखाएंगे भी। उस दिन भी हमने झींगा कढ़ाई यहाँ पे बनाई थी, बहुत ही बेहतरीन। और ये हम गोट पे आ गए यार। तला नीचे तो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। वो नीचे वो कोई फार्म वार्म बने हुए हैं। हाँ यहाँ का जो व्यू आता है ना यार, मुझे इस गोट में बैठने में इसमें बहुत मजा आता है। इधर आप बैठोगे आपकी लाइफ का एक अलग 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 यार। पाकिस्तान में देखें, पहले पाकिस्तान में लोग क्या करते थे, क्या एंजॉय करते थे, यही चीज जो पाकिस्तान का नेचुरल जो है, एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, हाँ वो सारा। ये पट्टे के साथ लगा दो, ये सब कहीं ओवर क्राउडेड में जो है ना मिस हो गया, मिस हो गया ना, चला गया। ओवर पॉपुलेटेड, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया कि अभी लोगों की प्रायोरिटीज बहुत, लोगों को भी हम ब्लेम नहीं करेंगे क्योंकि वो परेशान इतने, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज भी चेंज हो चुकी है। अब लोगों को ये सब नहीं चाहिए। दोस्तों हमारा खाना चल रहा था और ये 327 वाला, ये धूप में तेज बारिश हो रही है। धूप में बारिश हो रही है, बारिश खत्म हो चुकी है और धूप भी निकल चुकी है, पर मौसम बहुत अच्छा हो गया। जैसे नमाज में था वैसे नहीं है, जो हीट का जो टेम्परेचर गिर चुका है, एटमॉस्फेयर भी बहुत साफ सुथरा हो चुका है, रोडे शोडे भी धुल चुकी हैं। वो जो ये रिवर व्यू इन्होंने थोड़ा सा बनाया हुआ है बारबेक्यू की जगह, ये हम जाते हुए यही वीडियो बना रहे थे ना। देखे ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्पॉट बनाए मैं बहरिया ने, जहाँ पे आप आके बारबेक्यू वगैरह भी कर सकते हो, सेटिंग्स भी कर सकते हो। साथ ये थोड़ा पानी शानी भी है इधर,
लेक सा व्यू बनाया हुआ। चले अभी जाएंगे घर में, खाना पीने की तैयारी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अगेन दोस्तों, मगरिब होने वाली है आज 19 जुलाई है और 13 मुहर्रम का चांद आप देख रहे हैं। ये मस्जिद में हमने नमाज पढ़ी थी। बस मगरिब होने वाली है, हमारा मटन चढ़ा हुआ है चूल्हे पे और अभी मुन्ना भाई, ये आसिफ मुन्ना भाई हैं, बीकन हाउस में म्यूजिक टीचर है, हैं? और आपके आपको कोई पर्सनल ट्यूशन लेना चाहे म्यूजिक की तो आप दे सकोगे? माकूल पैसे दे ट्यूशन के, पार्ट टाइम कर सकते? हाँ दे दे, हाँ? दे तो ठीक है। मुन्ना भाई आपने अच्छा गाना भी सुनाना है, अभी तो मगरिब होने वाली है अभी। अच्छा हाँ, तुम खाना वाना खा रहे होंगे या बारबेक्यू कर रहे होंगे, बहुत अच्छा सॉन्ग सुनाना है आपने और एक नात भी सुनाएंगे आप। ये तला भाई बैठे हुए सारे, आप व्यूज दिखाएं लोगों को। व्यू तो बहुत ज़बरदस्त है, ये रफ़ी स्टेडियम नज़र आ रहा है सामने, ये हमने दिखाया रफ़ी स्टेडियम और एफिल टावर भी नजर आया। प्रीसेंट 35 का है, ये कैट ले जा रहे हैं सर बिल्ली घुमाने, पर्शियन कैट लग रही है। घुमा रहे हैं कहाँ पे? यहाँ पे तो बहुत जबरदस्त मौसम हो रहा है। देखें खजूरें भी पक गई हैं, दिखाते हैं आपको। आज बारिश भी बहुत अच्छी हुई है जिसके शॉट बहुत अच्छे आए। बाकी आज हमारे खाने में मैं जो बना रहा हूँ वो मटन का सालन है, साथ जीरा राइस होंगे और ग्रिल फिश। ये हमारा सादा सा खाना है, क्यों हम बाहर खाना खा खा के थक गए, घर का साफ सुथरा घर का खाना खाएंगे और ख़ुद बनाएंगे। ग्रिल बनाते हुए हम आपको साथ मिलेंगे। तला ये क्या लगा रहे हो? बटर लगा रहे हो? हाँ। ये देख रहे हैं क्वीन फिश बन रही है, ये हमारी गैलरी है और यहाँ पे क्वीन फिश बन रही है। रोस्टिंग स्प्रे। अच्छा यार ब्रांडिंग हो गई, इनसे पैसे लेने पड़ेंगे। हाँ। वाह क्वीन फिश है तलाई है, किंग फिश की बहन। हाँ। पर थोड़ी ड्राई होती है, इसको हमारे बलोच ज्यादा शौक से खाते हैं। ये जूसी पानी वाली फिश नहीं है, अब इसमें ये चिपकेगी भी नहीं। अच्छा इसको कुछ कोटिंग भी किया क्या? नहीं कोटिंग नहीं किया, पर ये है बस। बस 6 पीस बस और खत्म। मछली तो इतनी लग रही थी, ये तो साथ ही खाएंगे। हाँ हाँ सही है। तला इसको पलटो ना, छोड़ो उसको स्प्रे को, स्प्रे नहीं करना इसको ये सही है, चलने नहीं देना बस बस पलटते रहो थोड़ी थोड़ी। हाँ देखो आंच इतनी होनी चाहिए, बिल्कुल कम। बोटी सही कर सुलाई। हाँ कहाँ फंस गई रही है? कहाँ बोटी? ये बीच वाली बोटी कहाँ जा रही है? ये इस वाली, ये वाली। अब वो कौन मसला नहीं है, ये बोटी साइड पे आई हुई, इसका मैं सोच रहा हूँ। मुन्ना भाई ने बहुत हेल्प कराई है हमारी यार। मुन्ना भाई फिश लो ना यार, मुन्ना भाई फिश पड़ी हुई है अभी, ये फिनिश होती तुम लोग खाओ ना। नहीं, एक 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 फिश, एक फिश खाओ, एक फिश का बाइट लो और हमारे व्यूअर को बताओ कि कैसी बनी है। फिर गाना सुनाओगे तुम खाना खाने के बाद, तुम्हारी सुरीली आवाज में गाने का गाना सुनकर लोग बिल्कुल टाटा बाय बाय करेंगे और आज का व्लॉग खत्म होगा। सही है, देखिए ग्रिल फिश के साथ। हाँ। हम जा रहे हैं मुंह में, जा रहे हैं मुंह में। वाह मछली कैसी है? मछली कैसी है? मिक्सचर बेहतरीन है। व्हाट अबाउट यू सर? जो बात फ्रेश फिश में है वो वाकई में मैं नॉर्मल नहीं, मेरी कुकिंग कैसी है, चावल कैसे बनाए,
हर चीज परफेक्ट है, परफेक्ट है हर चीज। और हमारी ग्रिल फिश भी तैयार है, ये ग्रिल फिश देखे कितनी फ्लेकी है, ये क्वीन फिश है, क्वीन फिश ये लो, ये देखो ये क्वीन फिश। देखो मैं खिलाता हूँ ना तो फिर वो हो जाता है, तो मैं जरा वो एक पीस निकाल लूं। ये लो गरम, ये हमारी फिश तैयार हो गई है और हम ये अपने ठीक है। मजा आया, मजा आ गया ना साथ। स्टॉक राइस बनाए हैं और साथ फिश, ग्रिल फिश है जबरदस्त। तो ये दोस्तों ये फिश हमने बनाई है, क्वीन फिश है और ये हम अंकल आंटी को देने जा रहे हैं, उनसे भी रिव्यू लेकर दिखाएंगे आपको। ठीक है, ये हम पैक कर रहे हैं। ये हमने फिश पैक कर दी, ये थोड़ी सी फिश बची है ये हम खाएंगे इसके साथ, बस हमें इतनी खानी है। ठीक है, और सही है, ये राइस वाइस सब चलेगा। गरम गरम राइस और ये फिश।